हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरे बचपन के फेवरेट कार्टून ऑगी एंड द कॉकरोचेस के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑगी एंड द कॉकरोचेस को बनाया गया था फ्रांस में और इसका सबसे पहला एपिसोड आया था 1998 में और ये अपने पहले एपिसोड से ही बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और जिस कंपनी ने इसे बनाया था उसका नाम था जाइलम और इसी ने आगे चल के इस शो को इंडिया में भी रिलीज़ किया था और ये शो इंडिया में आते ही बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। वैसे इस शो का इंडिया में पॉपुलर होने का एक और रीज़न ये भी है कि इसमें हमें जितने भी करेक्टर दिखाए गए हैं उनकी आवाज़ किसी न किसी बॉलीवुड एक्टर से इंस्पायर है। यहाँ अगर हम बात करें ऑगी की तो उसकी आवाज़ इंस्पायर है शाहरुख खान से, छोटू की आवाज़ इंस्पायर है मुन्ना भाई MBBS के सर्किट से, लंबू की आवाज़ इंस्पायर है अक्षय कुमार से, और वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे जैक की तो उसकी आवाज़ इंस्पायर है सनी देओल से, और मोटू की आवाज़ इंस्पायर है हेरा फेरी के बाबू राव से, और वहीं बॉब की आवाज़ इंस्पायर है शक्ति कपूर से। वैसे इस शो के दौरान हमें बैकग्राउंड में एक आवाज़ जाती रहती है जो कि कई बार कुछ फनी मोमेंट क्रिएट करती है, तो वहीं पे हमें शो की कहानी भी बताती रहती है। और आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि वो आवाज़ है नाना पाटेकर की। तो हमें शो के दौरान बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि इस शो के लिए कोई भी बॉलीवुड एक्टर अपनी आवाज़ नहीं देता, बल्कि इन सभी बॉलीवुड एक्टर्स की आवाज़ संजय खेनी देते हैं। वो इतने ज़्यादा टैलेंटेड है कि वो सभी बॉलीवुड एक्टर्स की आवाज़ निकाल लेते हैं इस शो के लिए। ऑगी एंड द कॉकरोचेस शो में हमें तीन कॉकरोच दिखाए जाते हैं जो कि हमेशा ऑगी को तंग करते रहते हैं, और हिंदी में इन तीनों का नाम है मोटू, छोटू और लंबू। लेकिन अगर हम इसके इंग्लिश वर्जन की बात करें तो उसमें इन तीनों का नाम है डीडी, मार्की और जॉय। आप अभी जिसको स्क्रीन पर देख रहे हो उनका नाम है लैगी पॉप और एक पॉप सिंगर है, लेकिन यह फैक्ट की बात है कि इन्हीं के नाम पे ऑगी का नाम रखा गया था। तो जैसा कि आप देख ही सकते हो कि इन दोनों का नाम कितने ज़्यादा सिमिलर है, लैगी और ऑगी। हमने शो के दौरान कई बार ऑगी को एक कार यूज़ करते हुए देखा है और यही वो सेम कार है जो कि बॉब भी यूज़ किया करता था। लेकिन यह फैक्ट की बात है कि इस कार का नाम है फॉक्स वैगन बीटल और ये वो पहली कार थी जो कि फॉक्स वैगन ने लॉन्च करी थी। ऑगी एंड द कॉकरोचेस के एक एपिसोड में हम ऑगी को एक स्कूटर चलाते हुए देखते हैं जो कि रियल लाइफ में कुछ ऐसी दिखती है, और इस स्कूटर का नाम है वेस्पा। और एक और एपिसोड के दौरान हम ऑगी को एक वैन चलाते हुए भी देखते हैं जो कि रियल लाइफ में कुछ ऐसी दिखती है, और इस वैन का नाम है ह्यूंडई सेटरेक्स। 2018 में ऑगी एंड द कॉकरोचेस को बनाने वाली कंपनी ने कहा था कि अब ऑगी की एज 20 साल हो चुकी है। वैसे इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस का सबसे पहला एपिसोड आया था 1998 में, तो अगर हम इसी हिसाब से नज़र डालें तो 1998 से 2018 तक करीब 20 साल हो जाते हैं, यानी कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस शो को 20 साल हो चुकी हैं। तो इसलिए ऑगी एंड द कॉकरोचेस को बनाने वाली कंपनी ने कह दिया कि ऑगी की एज 20 साल हो चुकी है। ऑगी एंड द कॉकरोचेस के शुरुआती एपिसोड में हम यही देखते हैं कि ऑगी हमेशा कॉकरोचेस से लड़ता ही रहता है, वो भी अपने घर में, यानी कि वो बाहर बहुत ही कम निकलता था। तो इसके जो क्रिएटर थे उसने आगे चल के जब और भी सीजन आए तो उन्होंने इसे थोड़ा चेंज कर दिया और अब ऑगी बाहर भी निकला करता है, यहाँ तक कि अब वो टूर पे भी जाया करता है। वैसे ऑगी एंड द कॉकरोचेस पे एक मूवी भी आई थी जिसका नाम था ऑगी एंड द कॉकरोचेस द मूवी, और ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है और इसे TV पर रिलीज़ किया गया था, तो अगर आप चाहो तो इस मूवी को हिंदी में देख सकते हो। और ऑगी एंड द कॉकरोचेस पे बहुत सारे गेम भी अवेलेबल हैं जो कि सारे आलतू फालतू के गेम हैं, जिसमें ज़्यादातर पजल वाले गेम और रेसिंग गेम ही आते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बैन 10 की वीडियो में बताया था कि बैन 10 के बहुत सारी अच्छी गेम्स आई थी, लेकिन ऑगी एंड द कॉकरोचेस की कोई भी अच्छी गेम नहीं आई। जब ऑगी एंड द कॉकरोचेस शो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया तो इससे इंस्पायर होकर एक और शो बनाया गया जो कि एक इंडियन एनिमेटेड TV शो है, इसका नाम है पकड़म पकड़ाई, और ये पूरा का पूरा ऑगी एंड द कॉकरोचेस से ही इंस्पायर है, जिसमें कैट्स बन गए डॉग्स और कॉकरोचेस बन गए चूहे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।